देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस तरीके से जेडीयू के द्वारा सीट लाया गया है, उसके बाद सभी पार्टियों की नज़र जेडीयू पर बनी हुई है। फिलहाल पटना से एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, जहां एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के बड़े नेता के तौर पर उभरे हुए हैं, वो और नीतीश कुमार दोनों लोग एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो यह तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है कि जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। क्या नीतीश कुमार भी इस बार पलटी मारेंगे और पलटी मार करके अगर सरकार बनाते हैं तो विपक्ष का सुफड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लोग एक साथ फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। आगे के सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो वहीं ठीक उनके पीछे वाले सीट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। तो अब यह संकेत किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा रहेंगे या इंडिया महागठबंधन में चले जाएंगे? अब यह देखने वाली बात हो गई है। तो जिस तरीके से दोनों नेता एक साथ फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ बातें सामने निकल करके आ रही है। तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं नीतीश कुमार, और यह सीधी तस्वीर फ्लाइट के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, और तेजस्वी यादव के ठीक अगले वाले सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो अब यह देखने वाली बात हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे या नहीं। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। एनडीए की सरकार जो है भारत में, वो दावा कर रही है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए दल का समर्थन करते हैं और एनडीए के साथ रहते हैं, या इंडिया के तरफ वो चले जाते हैं। जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तो फिलहाल वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट के अंदर की यह तस्वीर है। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, इनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी उसी फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। दोनों लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में जो है वो एनडीए की और इंडिया की दोनों पार्टियों की बैठक होनी है, तो इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए तेजस्वी यादव भी रवाना हुए हैं। तो क्या अब इंडिया महागठबंधन में चले जाएंगे नीतीश कुमार या एनडीए का साथ देंगे? फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ, और देखते रहें।